दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके डेली के अकाउंट्स को मैनेज करेगा। इसमें क्या होगा, हम जो डेली अकाउंटिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, हमारे पैसे में घपला हो जाता है, कितना हमारे पास पैसा है, हमें पता नहीं कितनी बिक्री हुई, किससे कितने लेने हैं। तो ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपके पूरे बिजनेस को बहुत आसानी से मैनेज करेगा। पहले मैं इसके बारे में आपको, इससे पहले भी कुछ वीडियो बनाए थे, लेकिन ये इसका लेटेस्ट है। इसमें हमने कई सारे ऑप्शन और बढ़ा दिए हैं, जैसे आप इसका बैकअप ले सकते हो, पूरे सॉफ्टवेयर का बैकअप लेने के बाद उसको कभी भी मान लीजिए आपकी फाइल करप्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं। और इसमें आपके लेज़र बनाएंगे, उसके बाद पेमेंट रिसीव, और उसमें कुछ रिपोर्ट्स भी हमने अच्छी कर दी हैं। लेकिन सबसे पहला आपने काम क्या करना है, ये इसकी होम स्क्रीन है, यानी यहाँ पे हमने इसमें कैश और बैंक के लेज़र बना लेने हैं। जैसे मैंने कैश, पेटी कैश, बैंक, ई बैंकिंग, या इसको कर देते हैं हम फोन पे, और इसको कर देते हैं जी पे। और यहाँ पे हमने ये चार तरह के अकाउंट बना लिए हैं, या इसको हम पेटीएम, पांच बना लिए हमने। अभी हमारे पास ये हमारा फ्रॉम डेट से कब तक चलाना है। अब इसके बाद सबसे पहला काम कि हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था। मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए कैश है, तो ये हमने यहाँ पर कैश ले लिया, हमारे पास इतना है। अब इसी कैश के अकॉर्डिंग हम डेटा को मैनेज करेंगे। इसमें हमने एक ऑप्शन दिया है रिपेयर शीट का। कई बार क्या होता है, जैसे आपने कोई फाइल में मिस्टेक हो गई आपसे, या ये कई बार ओवरराइट हो जाता है कुछ, तो आप रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर शीट में क्लिक करेंगे, इस सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाएंगे। ये हमने कई जगह दिया है, लेज़र में भी हमने रिपेयर शीट दी है, और हमारा स्टेटमेंट में भी दी है, डे बुक में दी है, कंपनी में दी है, ये हमारा रिपेयर करने के लिए। अब हम आ जाते हैं स्टार्ट वर्किंग में। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे, जो आपका कैश और बैंक की डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी, कितना आपका करंट पेबल है, कितना रिसीवेबल है, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसमें तीन सेक्शन हैं, एक है मास्टर, एक है ट्रांजैक्शन, और एक है हमारा रिपोर्ट। मास्टर में क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे, हम पार्टी के लेज़र बना लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लेज़र बना लेता हूँ, ईशान आलम कालागढ़, और ये कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। इनसे हमने 5,000 रुपये पिछले लेने हैं, तो ये डेबिट में कर देंगे, और अगर देने हैं तो क्रेडिट में कर देंगे। ये हमने यहाँ से ले लिया। और मिस्टर अमन, ये हमारा इनको हमने 2,000 रुपये देने हैं, तो ये हमने यहाँ से इसमें लेज़र बना लिए। अब लेज़र बनाने के बाद क्या है, इनसे हम पैसा लें, पैसा दें, या फिर हम इनको कुछ सामान दें। अभी मान लीजिए जर्नल जो हमारी एंट्री है, इसमें आप सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, दो ऑप्शन है यहाँ पे। पहले हमने जर्नल में ये सेल परचेज का ऑप्शन नहीं था, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। सेल परचेज दोनों कर सकते हैं। अभी ईशान ने मान लीजिए हमारे पास से 1,200 रुपये का मान लीजिए जीएसटी सॉफ्टवेयर लिया, और ये हमने इसको सेव कर लिया। ईशान ने हमसे 1,000 रुपये में डेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लिया, ये हमने कर लिया। फिर अमन ने हमसे 2,000 रुपये में, जो भी आपका मतलब, इसमें एक एक चीज़ नहीं, आप पूरे बिल की फिगर चढ़ा सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे फिलहाल तो मैंने ये ले लिया, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई इसने 4,560 रुपये में इसका बिल, मान लीजिए कोई इनवॉइस नंबर थी INV 2301, तो आप अपनी इनवॉइस को भी मैच कर सकते हैं। ये इसलिए है कि इसमें आप फिगर फिगर चढ़ाएंगे, इसमें हमने कोई स्टॉक नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, ये अकाउंटिंग पर्पस है, यानी आपके बैलेंस को मैनेज करें। तो ये अभी हमने इनको बेचा है, अभी क्या ईशान से हमने परचेज किया, मान लीजिए इसने हमें 15,000 रुपये में हमने इसे एक यूज्ड लैपटॉप ले लिया, ये लैपटॉप ले लिया हमने। और फिर ईशान को हमने इसने मान लीजिए हमसे 6,000 रुपये में इसने हमसे एडवांस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लिया,
ये आ गया। तो ये हमने तो कर लिया सेल परचेज, अब हम देखना चाहते हैं आज की डेट में हमने क्या क्या काम किया, क्योंकि अभी हमें किसी से पैसा नहीं लिया, किसी से कुछ नहीं लिया। तो डे बुक में हम आएंगे तो डे बुक में हमें वो पैसा दिखाई देगा जो पैसा आएगा और जाएगा, चाहे वो कैश हो या पेमेंट रिसीव, कॉन्ट्रा, ये तीन एंट्रियाँ इसमें शो होती हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से पैसा आता और जाता है। और अगर हम डेली रिपोर्ट में देखें, हम देखते हैं आज की डेट है 23 से 23 में ही देख लेते हैं और व्यू करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे हमने ये एंट्री इसमें की है। और अब हम चलते हैं पेमेंट में, जैसे ही हम पेमेंट में आएंगे ये हमें दिखा रहा है किसका पेमेंट कितना देना है। तो अभी इसमें क्या है, पे बिल, अगर ये माइनस में आए तो ये हमने देना है, और प्लस में आ रहा है तो हमने लेना है। अभी क्या करते हैं, हम कुछ और सेल इनसे परचेज कर लेते हैं। मान लीजिए अमन से हमने 5400 रुपये में एक हमारा इनका बिल था, AB 123, हमने कुछ इनसे माल खरीदा था। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसमें पेमेंट में आएंगे ये इसका पैसा दिखाएगा किससे लेना है। अब इसको देना है, हमने इसको 5000 रुपीज़ कैश दे दिया, बैंक कैश पेड, ये पेड कर दिया हमने। इसके बाद अगर हमें रिसीव करना है तो रिसीव में आ जाएंगे, इससे हमने 2500 रुपये इसने हमें दिए, और इसने जो हमें दिए ये इसने हमें फ़ोन पे कर दिए, रेफरेंस नंबर ये हमने ये ले लिया। अब नंबर आता है कि आज की डेट में ये हमने सब ले लिया कि भाई हमारे पास, यहाँ पे आपको स्क्रीन में भी दिखाई देगा, 10,000 ओपनिंग थे, 5,000 ये हमारे क्या हुए, आउट हुए, यहाँ पे 2500 इन हुए, तो ये टोटल हमारे पास इतना है। पे बिल हमने 400 रुपये देनदारी है और 260 रुपये लेने हैं। अब नंबर आता है, ये तो हमने ट्रांजैक्शन कर लिया, अब हमारे पास कैश जो है वो 95,000 है, हम चाह रहे हैं 5,000 रुपये पेटी कैश में डाल दें। तो कॉन्ट्रा में हम आएंगे, अमाउंट इन कहाँ पर हो रहा है, पेटी कैश में, अमाउंट आउट हो रहा है कैश में से, 5,000 बीइंग कैश पर टू पेटी कैश। और हम थोड़ा सा इसमें फोन पे या जी पे में डाल दे रहे हैं कैश 20,000 बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू जी पे, जो भी इसका बैंक अकाउंट होगा, एक फिलहाल हमने ये दे दिया। तो जिस बैंक अकाउंट में आपने वो देना है वो यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये नंबर आ गया। अब हम देखते हैं डीबी इस डेट से लेकर पूरे महीने की देख रहे हैं, जैसे हम व्यू करेंगे तो यहाँ पे इसने दिखा दिया 27,500 रुपये इन हुए हैं, 5,000 रुपये आउट हुए हैं, और बैलेंस इतना है, जो कि इसमें 1,00,000 रुपये जो था वो ओपनिंग बैलेंस था। अच्छा, इसमें अगर हम ओनली कैश का देखें तो कैश में कोई भी इन नहीं हुआ है, आउट हुआ है 30,000 रुपये और 70,000 रुपये हमारे पास बाकी है। जैसे इसमें डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे क्या हुआ है, ये पैसा हमारा, ये डेट वाइज है, यानी 23 तारीख की डेट का दिखाएगा। फिलहाल तो हमारे पास एक ही दिन की एंट्री है, तो ये भी 23 ही तारीख का दिखाएगा। और अगर हम यहाँ कर लें पेटी कैश, तो पेटी कैश 5,000 रुपये कॉन्ट्रा में आए हैं, कैश आए हैं यहाँ पे कॉन्ट्रा में, वो दो बार इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जाते भी हैं आते भी हैं, दोनों कंडीशन को दिखा रहा है। अच्छा, इसके बाद है फोन पे, फोन पे में 2500 रुपये रिसीव हुए हैं, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखा देगा। और आज की डेट की सारी एंट्रियाँ देखना चाहते हो 23 तारीख की, तो यहाँ व्यू करोगे तो इसमें सेल परचेज पेमेंट रिसीव सारी एंट्री यहाँ पे आपकी आ जाएंगी। अच्छा, इसके बाद नंबर आता है, ये हमारा सॉफ्टवेयर, मतलब ये हमने इसमें काम कर लिया, अब सारी रिपोर्ट हमें मिल गई। डे बुक आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि भाई कौन से मंथ में कितना पैसा है, यहाँ पे किस किस डेट में पैसा आया गया, वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये स्टेटमेंट इस तरह का निकलेगा जिसमें
पार्टी का नाम आ जाएगा, वाउचर सेल हुआ परचेज हुआ, वाउचर नंबर डेबिट कितना क्रेडिट, ये नरेशन हो जाएगी उसकी, और इतना डेबिट हुआ इतना क्रेडिट, ये बैलेंस बचा। अच्छा इसके बाद नंबर आता है ये सेल परचेज की एंट्री है, रिसीव की, पेमेंट की और ये लेजर की। अभी इसमें हमारा एक ऑप्शन है जैसे रिपेयर शीट, रिपेयर शीट में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक की मांगेगा हमसे, वो की हम इसको देंगे, ये यहाँ पे रिपेयर कर देगा शीट। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाती, कई बार क्या होता है इसको पकड़ के हमने यहाँ कर दिया तो देखो यहाँ पे एरर आ गया, तो हम रिपेयर शीट करेंगे। अब ये यहाँ पे इसको हम उसकी जगह ही लिख देंगे, क्योंकि इसमें कट पेस्ट नहीं करते, क्योंकि फॉर्मूला भी कट पेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे ये हमारी एंट्री हो गई है साहब। अब नंबर आता है इसमें बैकअप लेने का। देखो बैकअप लेने के दो तरीके हैं, जैसे अभी मैं आपको बैकअप दिखाता हूँ। ये दो लेज़र हैं हमारे, इसको हम लेज़र में आए, हमने यहाँ पे बैकअप ले लिया, तो ये बोला फाइल लोकेशन यहाँ पर जाके अपडेट के अंदर यहाँ पे लेज़र मास्टर, और आज की डेट में ये सेव हो गया, इसको हमने रिमूव कर दिया। अब ये तो रिमूव हो गया, तो हमारा क्या होगा, हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अब ये बोलेगा रिस्टोरेशन हैज़ बीन डिलीटेड करंट डाटा, यानी ये जो डाटा है हमारा इस शीट में इस टाइम ये वाला ख़त्म हो के जो आप बैकअप लिया था आपने, वो ही बैकअप उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अब आप श्योर हैं कि भाई बैकअप मैंने इतनी तारीख, क्योंकि हमने तो अभी लिया है, तो हमने क्या यस कर देंगे, यहाँ पे की डालेंगे जो हमने की दी होगी आपको, और ये लेज़र मास्टर ले लेंगे इसमें, क्योंकि ये लेज़र का है, और इसको वो करेंगे हम इम्पोर्ट डाटा सक्सेसफुली। तो अब क्या होगा, देखो वो दोनों लेज़र यहाँ पे आ गए। तो इसी तरह से आप पेमेंट में आके पेमेंट का कर सकते हैं बैकअप, रिसीव में आके रिसीव का, अगर पूरी का सबका एक साथ करना चाहते हैं तो स्टार्ट वर्किंग में आके जैसे ही हम बैकअप में क्लिक करेंगे, ये बोलेगा फाइल लोकेशन ये यहाँ पे इतनी तारीख के नाम से सेव हो गई, अब आप इसको रिस्टोर कर लो, ये बोलेगा रिस्टोर में डिलीट हो जाएगा, हमने कहा यस, और यहाँ से हम लेके इसको ओके कर देंगे। बैकअप फाइल अब हमें चुननी है, अगर हम ये वाली बैकअप फाइल चुनेंगे तो ये वो वाली बैकअप फाइल गलत है, हमें चुननी वही है जो हमारी बैकअप फाइल है। अब आप देखेंगे सारी एंट्रियाँ इसमें वापस आ गई हैं। अगर हम इन सारी एंट्रियों को डिलीट कर दें, जैसे ये डिलीट कर दी हमने और ये भी डिलीट कर दी, ये सब डिलीट कर दी, वापस लाना है तो यहाँ से रिस्टोर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट डाटा सक्सेसफुली। अब देखो आप सारी एंट्रियाँ वो वापस आ गई होंगी, तो ये हमारा इसमें एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है, ये हम जो भी यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, और इसको डबल क्लिक करेंगे, इसका प्रिंट चाहिए प्रिंट ले लेंगे। जैसे फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या है, ये सेव करने का इसलिए ऑप्शन दे रखा है, मैंने XPS प्रिंटर सेट करा था अपना। अब आप देखेंगे कि किस टाइप का प्रिंट आ रहा है, ये हमारा इस टाइप का प्रिंट आ गया। अगर ये आपके काम का है तो मैंने यहाँ पे कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, और यहाँ पर भी मेरा नंबर है 98 37 28 23 50, और दो नंबर मैं आपको दे देता हूँ। पहला नंबर मेरा ये है, अट्ठानवे सैंतीस अट्ठाईस तेईस पचास, अगर आप बाहर से हैं तो +91, और यही व्हाट्सएप है, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।